हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एप्स फाइंडिंग्स में। आज मैं आपको मेरे नजरिए से देखा हुआ टॉप के 20 हिंदी वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 20 पे है Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कॉमेडी ड्रामा सीरीज पंचायत, जिसमें मुख्य किरदार निभाए हैं जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता ने। शहर का एक हाईली एम्बिशियस लड़का जिसे ग्राम सचिव का जॉब मिलने के बाद में गांव में जाकर रहना पड़ता है। 35 टू 40 मिनट्स के एवरेज के टोटल 8 एपिसोड्स दिखेंगे आपको इस सीरीज में। दोस्तों उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत हंसाने वाली है। नंबर 19 में है 2019 में रिलीज की गई डिस्टोपियन ड्रामा जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लैला। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। फ्यूचर में एक काल्पनिक कंट्री आर्यावर्त में कैसे पानी का प्रॉब्लम, धर्म का प्रॉब्लम, ये सब लेके इंसान को लाइफ जीना पड़ता है, ये दिखाया गया है। इसको डायरेक्ट किया है दीपा मेहता ने। OTT प्लेटफॉर्म्स में इस सीरीज के साथ में हुमा कुरैशी ने अपना डेब्यू किया है। नंबर 18 में है 2018 में रिलीज किया गया ऑल्ट बालाजी पे अवेलेबल अपहरण, डेवलप्ड बाई एकता कपूर। ये एक एक्शन ड्रामा सीरीज है। उत्तराखंड के सीनियर पुलिस ऑफिसर रुद्र श्रीवास्तव, जो कि अपहरण के केसेस का एक्सपर्ट है, वो कैसे कुछ चीजों में फंस जाते हैं, इसी पे आधारित है कहानी। 18 से 22 मिनट के टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें। नंबर 17 पर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसे डायरेक्ट किया है नागेश कुकुनूर ने, और मेन लीड कैरेक्टर्स में है अतुल कुलकर्णी, प्रिया बपत, सचिन पिलगांवकर, एजाज खान। पॉलिटिकल कुर्सी पाने के लिए इंसान कैसे क्रूरतापन का हद पार करता है, इसमें वही दिखाया गया है। 40-50 मिनट वाले टोटल 10 एपिसोड्स है इसमें। नंबर 16 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल क्राइम ड्रामा सीरीज जो कि 2019 में लॉन्च की गई, दिल्ली क्राइम। सैफ अली शाह, रसिका दुग्गल, आदिल हुसैन जैसे स्टार कास्ट है इसमें। कहानी बेस्ड है 2012 में निर्भया केस पर। ये एक फीमेल डोमिनेटेड सीरीज है। 45 टू 50 मिनट्स के एवरेज के टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें। नंबर 15 में है 2015 में लॉन्च किया गया कॉमेडी ड्रामा सीरीज पिचर्स। ये सीरीज आपको TVF पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसके लीड कैरेक्टर्स है नवीन कस्तूरिया, जितेंद्र कुमार, अरुणाव कुमार, अभय महाजन। किस तरह से चार दोस्त अपने 9-to-5 वाले जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसी की कहानी है। 30 से 57 मिनट का टोटल 5 एपिसोड्स है इसमें। नंबर 14 पे है रिसेंटली Amazon प्राइम वीडियोस पर लॉन्च किया गया क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज। इसी के जरिए अभिषेक बच्चन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किए हैं। अभिषेक जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो अपने किडनैप हो गई बच्ची को बचाने के लिए किस तरह से एक के बाद एक मर्डर करने को मजबूर होते हैं, कहानी उसी पे बेस्ड है। 45 मिनट्स के एवरेज के टोटल 12 एपिसोड्स है इस सीरीज में। नंबर 13 में है इसी साल जून महीने में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या। इसके मेन लीड एक्टर्स हैं सुष्मिता सेन और चंद्रचूर सिंह। सुष्मिता सेन जो कि आर्या सरीन नाम की किरदार निभाई है, वो अपने हस्बैंड के मर्डर मिस्ट्री सुलझाते सुलझाते किस तरह से उनके ड्रग्स के धंधे में उलझ जाती है, ये कहानी उसी पे बेस्ड है। 50-55 मिनट के टोटल 9 एपिसोड्स है इसमें। नंबर 12 में है इसी साल मार्च महीने में नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई क्राइम ड्रामा सीरीज शी। इम्तियाज अली की शी में मेन लीड एक्ट्रेस है अदिति पोहानकर एंड विजय वर्मा। विजय वर्मा जो कि एक विलेन का किरदार निभाए, उनका किरदार छाप छोड़ जाने वाला है। फीमेल डोमिनेटेड इस सीरीज में 35 मिनट के एवरेज वाले टोटल 7 एपिसोड्स है। नंबर 11 पर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल तिग्मांशु धूलिया की क्राइम ड्रामा सीरीज क्रिमिनल जस्टिस। इसके लीड कैरेक्टर्स में पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मासी, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स हैं। विक्रांत मासी किसी कारण से जेल में चले जाते हैं, वहां से निकलने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं उसी पे बेस्ड है कहानी। 40 से 60 मिनट वाले टोटल 10 एपिसोड्स है इसमें। नंबर 10 पे है इसी साल Amazon प्राइम वीडियो पे लॉन्च किया गया बिग वॉर सीरीज मेरा फेवरेट द फॉरगॉटन आर्मी। कबीर खान का डायरेक्टेड इस सीरीज का खासियत है कि यह नरेट किया गया है शाहरुख खान के जरिए। कहानी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के एक पर्टिकुलर टाइम पर आधारित है। इसके लीड एक्टर्स है सनी कौशल और शर्वरी। आधा पौन घंटा के एवरेज वाले इस सीरीज के टोटल 5 एपिसोड्स हैं।
नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल इसी साल लॉन्च किया गया क्राइम ड्रामा सीरीज जामतारा। अगर मेरी तरह आपको भी कभी ऐसे फेक फोन कॉल्स आया है जिसमें कहा गया है कि आप बैंक के लकी ड्रॉ में बहुत पैसे जीते हैं, तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। अमित स्याल के साथ में दिव्येंदु भट्टाचार्य, अक्षा प्रदर्शनी, मोनिका पनवार जैसे एक्टर आपको इसमें दिखेंगे। आधे घंटे वाले टोटल 10 एपिसोड्स है इसमें। नंबर 8 पे है इसी साल मार्च महीने में वूट पे रिलीज की गई अरशद वर्सी की असुर। सस्पेंस माइथोलॉजी एंड मर्डर के साथ में ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। सीनियर सीबीआई ऑफिसर के सीरियस रोल में अरशद वर्सी अपने हमेशा वाले कॉमेडियन के जैकेट पहने नहीं दिखेंगे इसमें। इंसान के अंदर की शैतान की कहानी है ये। लगभग 30-40 मिनट के ईच टोटल 8 एपिसोड्स है इस वर्ल्ड क्लास सीरीज में। नंबर 7 पे है 2017 में रिलीज की गई ऑल्ट बालाजी पे अवेलेबल हिस्टोरिक पीरियड ड्रामा सीरीज बोस डेड और अलाइव। एकता कपूर की क्रिएशन इस सीरीज में राजकुमार राव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लुक्स में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इसके अलावा नवीन कस्तूरिया भी बहुत अहम रोल में है। 20-30 मिनट वाले टोटल 9 एपिसोड्स आप एक दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। नंबर 6 पे है टीवीएफ और यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल कॉमेडी ड्रामा सीरीज कोटा फैक्ट्री। पूरे देश के कोचिंग सेंटर्स का हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा में जाने के बाद में स्टूडेंट्स कैसे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहानी उसी पे बेस्ड है। अपने जीतू भैया के साथ में इसमें मयूर मोर, आलम खान, रंजन राज ने एक्टिंग किया। 30-40 मिनट वाले 5 एपिसोड्स है इसमें। नंबर 5, अगर आपको हॉलीडे और बेबी जैसे फिल्में पसंद है तो आप इसी साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई स्पेशल ऑप्स को बिल्कुल मत मिस आउट कीजिएगा। नीरज पांडे की स्पेशल ऑप्स एक एक्शन स्पाई फिक्शन थ्रिलर सीरीज है। के मेनन के साथ में इसमें करण ठाकर, सना खान, सज्जाद दिलाफ्रूज ने एक्टिंग किया। ये वही सज्जाद दिलाफ्रूज है जिसे आपने टाइगर जिंदा है में ऑलरेडी देखा है। 45-50 मिनट वाले टोटल 8 एपिसोड्स है इसमें। दोस्तों नंबर 4 पे है लास्ट ईयर सितंबर में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई एक्शन ड्रामा सीरीज द फैमिली मैन। बेहतरीन एक्टर मनोज बाजपेयी जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल निभाए हैं, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे करते हैं कहानी उसी की है। इसमें मनोज बाजपेयी के साथ में प्रिया मणि, शारी भाष्मी, गुल पनाग जैसे एक्टर्स हैं। टोटल 10 एपिसोड्स वाले इस सीरीज के हर एपिसोड लगभग 40-50 मिनट वाले हैं। नंबर 3 पर जगह बनाने में कामयाब हो गई इस साल की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज अनुष्का शर्मा की पाताल लोक। हाथी और हथौड़ा का कॉम्बिनेशन आपको एंड तक एंटरटेन करने वाले हैं। दोस्तों हाथीराम चौधरी के कैरेक्टर में है जयदीप अहलावत और हथौड़ा त्यागी के कैरेक्टर में है अभिषेक बैनर्जी। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। 40-50 मिनट्स वाले टोटल 9 एपिसोड्स के इस सेंसेशनल सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यकीन मानिए ये आपका बैड लक है। नंबर 2 पर है इंडिया की पहली सीरीज जिसे नेटफ्लिक्स पर 2018 में रिलीज की गई थी सैक्रेड गेम्स। बिग स्टार्स लाइक सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे स्टारर इस क्राइम कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर सीरीज को डायरेक्ट किए हैं अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने। 25 दिन में मुंबई खत्म होने वाली है, बचा सकते हो तो बचा लो। गणेश गायतुंडे की कही गई इस बात पे इंस्पेक्टर सरताज सिंह कैसे काम करते हैं कहानी उसी पे बेस्ड है। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है जो कि 45-50 मिनट्स के एवरेज के हैं। नंबर 1 पर लीड कर रही है अभी तक की सबसे बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल मिर्जापुर। पूर्वांचल में क्राइम दुनिया का बेताज बादशाह कालीन भैया के साथ में गुड्डू भैया और मुन्ना भैया का एक्शन, वायलेंस और एग्रेसिव लैंग्वेज का पैकेज है मिर्जापुर। मल्टी स्टारर इस सीरीज में एक्टिंग किए हैं अली फजल, विक्रांत मासी, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, कुलभूषण खरवांदा, अमित स्याल, अभिषेक बैनर्जी जैसे एक्टर्स। 40-50 मिनट वाले 9 एपिसोड्स है इसमें। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द इसकी सेकेंड सीजन आने वाली है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।